ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई कंटिन्यू माई स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, आपको कंटिन्यू करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान में छुपे बोलिए। बजट सर, ये बात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन की बात कर रहा हूँ आपको चुप रहे। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा चावल दूध दही पनीर छाछ सब चीज पे जीएसटी। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहाँ स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की।